उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे झज्जर के सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत है अंदर, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का भी। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस पत्रकार वार्ता के बाद सभी लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहीं रहेंगे, उनसे आप मिले। सभी के स्वागत स्वागत के साथ साथ आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस गीता जी, सभी साथी और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो स्थिति बनी हुई है, आज आठवीं बार या नौवीं बार, आठ बार हो चुकी, नौवीं बार किसान और सरकार में वार्तालाप होनी है, तो बार बार ये अनुरोध करते हैं, इतनी सर्दी है, सारा देश का किसान चिंतित है, जो ये तीन कानून आए हैं इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं। आज यही मेरे आग्रह सरकार से भी है कि तुरंत जो है इन कानून को वापस लें और किसानों की बात माने, और जो भी कानून किसान के हित में बनाना हो वो स्टेक होल्डर से बात करके, किसानों से बात करके और जो भी संबंधित व्यक्तियों से उनसे बात करके एक नया कानून लेके आए। जो पहले दिन मैंने कहा था 14 अगस्त को ट्रिब्यून में आर्टिकल मैंने लिखा था, जब ये तीन कानून आए कि अगर ये तीन कानून आपने लाने हैं तो चौथा एक और कानून लेके आओ। जब इन कानूनों को मैंने कोई भी MSP से कम कोई भी खरीदता है उसको सजा का प्रावधान कर दिया गया। किसान को आशंका है कि उनको MSP नहीं मिलेगी, और ये आशंका दूर करनी जरूरी है, क्योंकि ये किसान का जो तकलीफ है पूरे देश की साझा है। किसान बोता तो अकेला है लेकिन खाता तो हिंदुस्तान है, और सारे अन्नदाता तकलीफ में ये देखें। और दूसरी बात, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में तो आप सब देख रहे हैं अभी दिसंबर के आखिर में जो CMI का जो रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर एक पर है, 33% के करीब बेरोजगारी है। इसका मतलब हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा का बेरोजगार है, और जो नेशनल एवरेज है उससे 4 गुना ज्यादा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आज काफी दिन के बाद मैं झज्जर के देहात में इधर आया हूं, मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यहां कोई भी कार्य नहीं हुआ, ना सड़कों की मेंटेनेंस है, कोई ऐसा कार्य नहीं दिखा जो ये दिखाता वही सरकार की कोई रुचि है इसका विकास में। तो बड़ा मेरे को इस बात का वो है कि 6 साल तक सरकार करती क्या रही, जबकि किसान पर तो बोझ बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। आपने देखा हमारे समय में खाद पर कोई टैक्स नहीं था, खाद पे टैक्स लगा दिया, GST लग गया, कीटनाशक दवाई पे लग गया, ट्रैक्टर पार्ट्स पे लग गया, लागत तो बहुत कर दी लेकिन जो है किसान की आमदनी घट गई। जहां तक व्यापार का सवाल है तो व्यापारी परेशान है, वो कहते हैं भाई हमारे मुनाफा तो क्या दूर, हम तो पूंजी खा रहे हैं, तब तक अपनी पूंजी खाएंगे। गरीब आदमी है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, मजदूर है, उसको परेशानी है, और कर्मचारी जो है वो तो सड़कों पे खड़े रहते हैं। ये पहली सरकार है जिन्होंने कच्चे कर्मचारी भी निकाले, पक्के भी निकाले। क्या तीन काले कानून जो बताए जा रहे हैं, क्या कॉरपोरेट ताकतों की भूमिका है इन काले कानूनों में? लेकिन लाभ उनको होगा, लाभ उनको होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो है वो कॉरपोरेट ही जो है होल्डिंग कर पाएंगे, और वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ाते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार बनी, उस दिन मैंने कहा था कि जो जिस हिसाब से सरकार ये बनी है
ऐसी सरकारें अपने वजन में खुद अपने आप टूट जाया करती है, क्योंकि वोट किसी के, सपोर्ट किसी को, वोट तो कुछ लेके गए कहके गए और सपोर्ट वहां किसी को रहे, तो ऐसी सरकारें अपने वजन में अपने आप ही गिर जाया करती है। सर अविश्वास मंजूर तो होगा जब, ये तो स्ट्रेंथ है, कानून है, जिस दिन विधानसभा का सेशन शुरू होगा उसी दिन पहले दिन ही विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। सोमवीर सांगवान आपके पक्ष में भी आ गए हैं सर, कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ में खड़ा हूं, क्या अन्य लोगों से भी बातचीत चल रही है, कुछ बताइए सर। देखिए इसी वास्ते विश्वास प्रस्ताव का मैंने सेशन का डिमांड किया है, वो जिस दिन भी सेशन होगा अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे और ये पता लग जाएगा कि कौन किसानों के साथ है, कौन कुर्सी के साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह आए थे, बीरेंद्र सिंह सर किसानों के समर्थन में आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को? मैं व्यक्तिगत बातें नहीं किया, भूमिका देखो मैं अपनी भूमिका ही बात करता हूँ, लगातार आपका जारी रहेंगे, दो किसानों के साथ खड़ा हूँ, किसान आंदोलन पे दौरे आपके जारी रहेंगे आगे भी टूल पे या अन्य जगहों पे? मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, उनकी मांग की आवाज उठा रहा हूँ, उठाता रहूंगा, और हमारी सरकार आई तो ये कानून भी रद्द हो गए, आप देखेंगे। चौधरी भूपिंदर हुड्डा की जय, बहन गीता बुक्कल की जय। प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, मैंने कहा ना आपको कि भाई स्टेक होल्डर्स के कोई भी कानून है उनको जब तक जो इससे प्रभावित है स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद ही कोई आना चाहिए, ये जिस तरह आया वो उनकी कोई सलाह नहीं दी गई। अब जैसे मैंने अपना, मैं तो वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, मैंने सारे किसान यूनियन से सबसे करके जब रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो आज ये कह रहे हैं आपके इनके बीजेपी अध्यक्ष कि लागू नहीं करी, लागू क्यों नहीं करी, मैं 4% पे पूरे देश में ब्याज करवाया, शॉर्ट टर्म में हरियाणा में 0% है, और क्या ब्याज आज कहाँ है, जो फसली ऋण लेता है उसमें कोई ब्याज भी है, ये भूपिंदर सिंह हुड्डा लागू कर गया था भाई, और उसी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 4% का मैंने लागू करवाया था। चौधरी साहब आज स्वामीनाथन के लिए रिकमेंडेशन मेरी है। चौधरी साहब एक चीज और शिफू का छोड़ा गया कि राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया जाए कानून रखना है नहीं रखना है, क्या चौधरी भूपिंदर हुड्डा पक्षधर है इस चीज के? ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, कोई ऐसी आएगी बात उस पर रिएक्ट करूंगा मैं। देना चाहिए सर राज्य को, राज्य का तो है ही, राज्य का तो आज भी है ना, एपीएमसी जो है मार्केट आज राज्य के अंडर है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने किया था वो चाहे मंडी के जरूरी था मंडी में करे, बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बाहर होगा, उसका अनिवार्य था कि एमएसपी से कम नहीं ले सकता, तो वो तो है ही, अगर हमारी सरकार आएगी या विधानसभा में हम ये संशोधन लेके आएंगे एपीएमसी में जो है हम अपना जो है उसको एक्सटेंड करेंगे पूरे हरियाणा को एपीएमसी में मार्केट डिक्लेयर करने की विधानसभा में रखेंगे हम, और जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसमें उसके लिए सजा का प्रावधान का प्रस्ताव मैं विधानसभा में रखने जा रहा हूँ। कल को केंद्र में कांग्रेस कह चुका हूँ हमारी सरकार आएगी तो तीनों कानून वापस ले जाएगी, कह चुका हूँ। हुड्डा साहब 1.5 महीने से अधिक हो गया, आपको भी विदित है, सभी को विदित है, 1.5 महीने से आंदोलन को मतलब अधिक समय हो गया, 40वां दिन चल रहा है और 9वें दौर की वार्ता चल रही है और उसके बावजूद भी सरकार झुक नहीं रही है, और उसमें प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते अब आप इस आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हो? देखिए मैं तो किसानों के साथ खड़ा हूँ, किसानों की आवाज में आवाज मिला रहा हूँ, और क्योंकि इनकी मांग जायज है।